अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसे हो सब? हमजा, ठीक इकरा, है अल्लाह फैयाल। का शुक्र है। अल्लाह मैं आप सब का करम है। चलो ग्लैड टू नो कि आज माशाल्लाह से टाइम पे आए हैं और इकरा भी प्रेजेंट है। इकरा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? हम फेमिनिज्म ही को पढ़ रहे थे ना, हमारा फेमिनिज्म का जो टॉपिक है वही कंटिन्यू आ रहा है। चले दावर आ गए हैं। कैसे हैं दावर? दावर है निकरा का जो है वो माइक शो ही नहीं हो रहा। होपफुली उनको आवाज आ रही होगी। हम फेमिनिज्म को पढ़ रहे हैं। फेमिनिज्म में हम बहुत ज्यादा लाइक जेंडर जेंडर स्टडीज, फेमिनिज्म, मेनिनिज्म, राइट्स, फ्रीडम, ये हम ओरल बेसिस पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बार बार रिपीटेशन का बच्चे बेसिक पर्पज ये होता है कि वो चीजें आपके माइंड में रिफ्रेश होती रहें। जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं ना, जैसे आपकी स्क्रीन सामने आती है तो आप राइट क्लिक पे जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश प्रेस करते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन दबाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका मटेरियल है वो दोबारा से फ्रेश हो जाए, वो दोबारा से एक न्यू स्टेट में आए। तो बार बार जो हम रिपीटेशन करते हैं, इट मीन्स कि आपका जो मेमोरी है, जहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया, बैरियर्स हो गए हैं, जहाँ पे आपको चीज पॉइंट जो है वो भूले हुए हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। सो बेसिकली फरियाल थोड़ा सा बता दें बच्चे कि फेमिनिज्म क्या है। मैम, फेमिनिज्म में हम वुमेन्स के राइट्स को स्टडी करते हैं। गुड। मैनेनिज्म में और क्या क्या करते हैं? मैनेनिज्म में हम अकॉर्डिंग टू मैनेनिज्म हम उसमें जो मेंस के राइट है मैम उसको स्टडी करते हैं। गुड। जेंडर स्टडीज में हम क्या करते हैं? मैम जेंडर स्टडी इज अ बेसिकली द स्टडी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट जिसमें हम मैम हम ओवरऑल जो जेंडर्स हैं मैम उसको हम स्टडीज करते हैं। गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली जो जेंडर स्टडीज है, जेंडर स्टडी एक ऐसा बैनर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों जेंडर, टू सम एक्सटेंड थर्ड जेंडर, हर्मनफ्रोडाइट के भी राइट्स, रूल्स, उनकी फ्रीडम की बात होती है। फेमिनिज्म हमारा है राइट्स फॉर वुमेन, लेकिन अब फेमिनिज्म जो है फ्रीडम ऑफ वुमेन बन गया है। थोड़ा सा इसमें, थोड़े से ज्यादा इसमें चेंजेस आ गए हैं। मैनिनिज्म जो है वो फेमिनिज्म के कंपटीशन में स्टार्ट हुआ कि अगर औरतों की फ्रीडम है, औरतों के राइट्स है, अब कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसमें औरतें सफर नहीं होती, जिसमें मर्द सफर होते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें मर्द ज्यादा सफर होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो मैनिनिज्म का बेसिक पर्पज ये था कि वो रेयर एरिया जिसमें मेल सफर हो रहे हैं, या वो ओरल क्राइटेरिया जिसमें फीमेल ही सिंपथीज ले रही है और मेल जो है एज अ डिक्टेटर, एज अ डेवल और एज अ नेगेटिव जो इमेज है उसका वो प्रेजेंट हो रहा है। तो इसलिए मैनिनिज्म स्टार्ट हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पाकिस्तान में जो औरतों के राइट्स के लिए फ्रीडम स्टार्ट हुआ था, फेमिनिज्म इन पाकिस्तान मूवमेंट, हम इसमें पढ़ेंगे। और यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है अबाउट वेमेन, उसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। दावर, आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। ओके, खैर खैरियत से हैं? शुक्र है जी मैम चलो चलो सही। ओके जी, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक।
द यूनाइटेड नेशन, एक मिनट इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं जी. द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन. यूनाइटेड नेशन जो है सिंपली हम देखते हैं ना यूएन, अगर आप ये यूएन की गाड़ियां देखें, आर्मी की जो गाड़ियां, वाइट गाड़ी होगी और उस पे सॉरी ब्लू लाइट, ब्लू स्काई, ब्लू यूएन लिखा होगा. तो यूएन जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज को जो है वो उसको सपोर्ट एंड प्रमोट करता है. अब हम यूएन, यूएन का जो क्राइटेरिया है यूनाइटेड नेशन का, वो वुमेन स्टडीज के अकॉर्डिंग, वुमेन के राइट्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. यूनाइटेड नेशन ने अभी तक जो है 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की है फॉर वुमेन, जिसमें औरतों के हकूक की बात हुई है, औरतों के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज जो उनके थे उनको रिजॉल्व करने के लिए सजेशंस दी गई है हर एक कंट्री से. अब वर्ल्ड वाइड है ना, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस. वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस का मतलब है कि दुनिया के हर मुल्क के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की है. ये नहीं है कि सिंगल बेसिस पे, या यूरोपियन कॉन्फ्रेंस है या एशियन कॉन्फ्रेंस है, ये है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस जिसमें सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं. दिस टुक प्लेस इन मैक्सिको सिटी इन 1975. मैक्सिको सिटी में 1975 में एक बार ये हुआ, फिर मैक्सिको की एक दूसरी सिटी में 1980 में हुआ, फिर नैरोबी में 1985 में हुआ और बीजिंग में 1995 में हुआ. तो ये जो हो गए ये 4 कॉन्फ्रेंसेस हो गए, जिनका फोकस जो एम था विच वॉज फॉलोड बाई सीरीज ऑफ 5 ईयर रिव्यूज. 5 साल, देखिए ना, 5-5 साल के गैप से हुआ है. 1975 में एक बार हुआ, 1998 में 80 में एक दूसरी बार हुआ, 1985 में तीसरी बार हुआ, 1995 में, अच्छा इसमें 10 साल का जो गैप आ रहा है, 1995 में 10 साल बाद एक डिकेड के बाद हुआ. पहले जो 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए उनमें 5-5 साल का गैप था. जो 85 में हुआ उसमें 10 साल का गैप था. एंड दिस वाज टर्म्ड एज द वुमेन डिकेड. और इसको नेम दिया गया वुमेन डिकेड का, मतलब है औरत के दौर का, औरत के टाइम का, औरत के वक्त का नाम इसको दिया गया. द 1995 फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजिंग मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द ग्लोबल एजेंडा फॉर जेंडर इक्वेलिटी. जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हुए, अब ये तो नहीं है ना कि आपका कोई एजेंडा है, आपको कोई किसी बात को मानने के लिए कह रहा हो बच्चे, और आप वो एक ही बार आपको कहे कि ये चीज इस तरह है, आप ये काम इस तरह करें, तो नहीं होगा. Until and unless के पहले वो आपके साथ अपने टर्म्स अच्छे रखें, फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि टर्म्स अच्छे रखने के साथ आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें. साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ना, बिहेवियर को समझेगा. थर्ड स्टेप में आपको उस एजेंडा की तरफ परसू करने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा. एंड फोर्थ स्टेज क्या होगा, फोर्थ स्टेज जो होगा उसमें आपकी एग्रीमेंट होगी. Clear? तो इसी तरह जो 4 कॉन्फ्रेंसेस हुए, पहला कॉन्फ्रेंस 1975 में हुआ, दूसरा 1980 में हुआ, दोनों में कोई रिमार्केबल जो है अचीवमेंट्स नहीं हुई. 1985 में भी रिमार्केबल अचीवमेंट्स नहीं हुई, लेकिन जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ 1995 में, इसमें काफी रिमार्केबल सिग्निफिकेंट चेंजेस आए. इसमें इक्वलिटी की बात आ गई. पहले 3 कॉन्फ्रेंसेस जो है वो एक वार्म अप सेशन था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी की बात अगर हम मानते हैं या कोई हमें अपने एजेंडा की तरफ लेके आना चाहता है, तो ये सारे जो 4 स्टेप मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए तो इनको फॉलो करेगा. तो इसलिए जो वुमेन कॉन्फ्रेंस थी बीजिंग में जो हुई थी वो बेस्ट टर्निंग पॉइंट बना, जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की, जिसमें कहा कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल. Equality not on basis of their dressing, but equality on a basis of their mentality. Giving them equal right in politics, giving them equal right in each and every field of world, each and every field of routinic life, each and every field of day-to-day life. इसमें equality की बात की गई. अब हम यहाँ पे equality में confused हो जाते हैं. ये जो हमारा gender equality है,
हम यहाँ पे अगर हम अपने टर्म की, चलिए पाकिस्तान वाला एजेंडा भी इसको डिस्कस करते हैं, हम जेंडर इक्वेलिटी को, हम बड़ा जो है नैरो थिंकर लोग हैं, बहुत ही तंग नजर लोग हैं। हम इक्वेलिटी जो है, इक्वेलिटी को सिर्फ ड्रेसिंग के लेवल पे लेके समझते हैं। जितना बेहया लिबास उतना कहते हैं कि जी उतनी फ्रीडम। अब जितनी फ्रीडम है, जितनी बेहयाई है, जितनी मॉडेस्टी आ गई, उतना ही उसके जो है नेगेटिव आउटकम्स हैं। जितनी हम मॉडेस्टी की तरफ, बेहयाई की तरफ जाते हैं, जितनी हम नेगेटिव यूज रिसोर्सेज का करते हैं, तभी तो रेप केसेस ज्यादा होते हैं, मोलेस्टेशन केसेस ज्यादा होते हैं, हेरेसमेंट केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वर्क प्लेस हेरेसमेंट इसमें आ रहा है, रिश्वत ब्राइब लेना स्टार्ट हो गया, वायोलेशन ऑफ रूल्स हो गया, वायोलेशन ऑफ लॉ हो गया, ये सारा अब जो है वो आजकल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पीक पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेलिटी जो है मेंटेलिटी लेवल पे, हम जेंडर इक्वेलिटी को नहीं लेके आ रहे, हम जो है फिजिकल लेवल पे इक्वेलिटी की बात करते हैं। फिर क्या हुआ, द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन adopted unanimously by 189 countries is an agenda for women's empowerment and considered the key global policy document and gender equality. Women empowerment की बात हुई, औरतों के हकूक की बात हुई, औरतों की फ्रीडम की बात हुई, औरतों के राइट्स की बात हुई, और एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी बनाई, पेपर वर्क। पेपर वर्क का मतलब है कि एक चीज जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे लॉज है जो सेंक्शन नहीं हुए अभी तक, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, जिसमें एक है हमारा ऑनर किलिंग। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड जेंडर इक्वेलिटी की इन्होंने बात की, दिस वॉज द रिमार्केबल टर्निंग पॉइंट फॉर ग्लोबल एजेंडा फॉर जेंडर इक्वेलिटी इन 1995 वर्ल्ड फोर्थ कॉन्फ्रेंस अबाउट वुमेन इन बीजिंग। इट्स सेट्स स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन्स एंड द अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वेलिटी इन 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न। इनका जो एम था, फोकस ऑफ अटेंशन था, जिसमें ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे, वो 12 क्रिटिकल एरियाज थे। कौन कौन से थे? वुमेन एंड पॉवर्टी। कोई एक्सप्लेन करेगा विमेन एंड पॉवर्टी को? विमेन एंड पॉवर्टी कि अगर औरत गरीब है, तो लेट सपोज वो विडो हो गई है, वो बेवा हो गई है, उसके बच्चे छोटे हैं, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन अमाउंट होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करें। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर वुमेन, वुमेन की जो तालीम है उसकी तरफ फोकस दिया जाए। ट्रेनिंग ऑफ वुमेन का मतलब है कि औरतों को स्किल्स सिखाए जाएं। स्किल्स का मतलब है कि वो अगर कुछ स्किल्स सीखती है, तो उससे वो ऑनरेबल जो होए वो इनकम गेन कर सकती है, वो माशरे में, वो सोसाइटी में अपना एक अच्छा मकाम बना सकती है। हाई मकाम, हाई प्रेस्टीज की हम बात नहीं करते, एटलीस्ट प्रेस्टीज इतना कि वो ऑनरेबल हो, वो जो अर्न कर रही है विद डिग्निटी अर्न कर रही है। अब अर्निंग डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है ना। तो एजुकेशन क्या है? औरत के एजुकेशन पे फोकस दिया गया, औरत की ट्रेनिंग पे, औरत को स्किल्स देने पे फोकस दिया गया। अब एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि औरत पढ़ना लिखने जान जाए, औरत बात करना जान जाए। एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि औरत ने अगर पढ़ लिया तो वो घर में काम नहीं करेगी, वो हंडिया नहीं बनाएगी, वो सालन नहीं बनाएगी, नहीं। एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है, जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, वुमेन एजुकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो आज की लड़की है वो कल को माँ बनेगी, और उसी ने बच्चा पैदा करना है, और उसी ने उस बच्चे की अपब्रिंगिंग और परवरिश करनी है। अगर माँ एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, तो बच्चे पे उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा।
अगर माँ जाहिल है, माँ अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो अच्छे मॉरल कोड्स का होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम क्या कहते हैं कि हमारी जो 90% ऑफ पर्सनैलिटी होती है, दिस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. अब बचपन में बच्चे की बात नहीं सुनी गई, उसको अवॉइड किया गया, उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हुई, उसकी बात को नहीं समझा गया, तो उसमें वो स्टबर्ननेस आ जाएगा, उसमें वो नेगेटिव ट्रेट्स जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे. तो अगर एजुकेटेड मदर है तो वो बच्चे को काउंसल कर सकती है, बच्चे को समझा सकती है, बच्चे की साइको सोशल नीड्स को देख सकती है, उसकी रूटीनिक रिक्वायरमेंट्स को जो है हैंडल कर सकती है. तो ये बेसिक पर्पज़ है एजुकेशन का. एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ ये नहीं कि औरत में मॉडेस्टी आ जाए और औरत मॉडर्न हो गई. एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ ये नहीं कि मर्द सोचे कि जी औरतें मैदान में आ गई हैं, बेहयाई हो रही है. एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि आज की बच्ची कल की माँ बनेगी, और बच्चा जो है वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है ना. जो माँ होती है वही तो माशरे को बना रही होती है ना, सोसाइटी को सेट कर रही होती है. जैसे एजुकेशन फॉर एल्डर पीपल. अब एल्डर पीपल का क्या है, जिसको हम कहते हैं तालीम बालिगा. अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, एजुकेशन फॉर एल्डर पीपल के लिए तालीम बालिगा का सिस्टम ओपन किया, और साथ में ट्रेनिंग ऑफ वुमेन. ट्रेनिंग ऑफ वुमेन में क्या डिफरेंट जो है, एम्ब्रॉयडरी स्कूल्स ओपन किए, दस्तकारी के, कशीदाकारी के स्कूल जो हैं, सेंटर्स ओपन किए, जिसमें औरतों को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग मिलती है, साथ साथ उनको पर मंथ जो है पैसे भी मिलते हैं. इस तरह तालीम बालिगा में सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और साथ में पर मंथ पैसे भी दिए जाते हैं. क्लियर? एनी क्वेश्चन? वुमेन एंड हेल्थ. अब हेल्थ जो है, अगर औरत की सेहत अच्छी नहीं है, वो कितना भी तालीम याफ्ता हो गई है लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं है, वो फिर भी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती, वो फिर भी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर सकती. सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है. अब मेजॉरिटी हम अगर पाकिस्तान में देखें ना, मेटर्निटी होम्स को देखें, जच्चा बच्चा सेंटर जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, डिलीवरी होती है, औरतें जो है बच्चा पैदा करती हैं, तो उनकी अगर आप कंडीशन देखें ना, तो अल्लाह माफ करे, बंदा डर जाता है. इतना तो वो फिल्थी, इतना वो गंदी जगह होती हैं, प्रॉपर सफाई नहीं है, फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता. अब बच्चा पैदा करना जो है द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो है वो है. अब ये जो है, इसका ये जो लेबर पेन होता है, इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, सूरह मरियम में. अब इसमें जो औरत होती है, औरत जब बच्चा पैदा करती है, तो वो जिंदगी और मौत की वो जो कशमकश, जो जंग होती है, वो कशमकश में लगी होती है, लाइफ एंड डेथ वाली वो सिचुएशन में होती है. और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है कि जब औरत बच्चा पैदा करती है तो उसका ऐसा पेन होता है जैसे आप एट अ टाइम 207 बोन्स को तोड़ रहे हैं. एट अ टाइम आपके जिस्म की 207 जो हड्डियां हैं वो टूट रही हैं, इतना दर्द है. अब इतना वो औरत जो है पेन बेयर करती है, बर्दाश्त करती है, तो उसका तो हक है ना कि उसका जो डिलीवरी है, उसकी जो डिलीवरी है वो अच्छी जगह पे हो, उसको फैसिलिटीज अवेलेबल हो. ज़्यादा औरतें जो होती हैं डिलीवरी टाइम जो है वो मर जाती हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, अनहाइजीनिक जो कंडीशन होती है उसकी वजह से, लेक ऑफ मेडिकेशन की वजह से, लेक ऑफ या एक्सेस ऑफ इग्नोरेंस की वजह से औरतें जो है वो मर जाती हैं. अब अगर फिर वो औरत जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है,
बच्चा पैदा करती है। सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। जी मैम, जी मैम, सुन रहे। ओके गुड। वो औरत जो बच्चा पैदा कर रही है वो इतना तकलीफ बर्दाश्त करती है, वो बाय लक बाय चांस वो औरत बच जाती है और बच्चा पैदा कर लिया, और बच्चे क्या पैदा कर लिया, वो लड़की पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई। इतना वो दर्द उसने मिनट 5 मिनट पहले सहा होता है, अब लड़की पैदा हो गई तो जी सबका जो है मूड ऑफ हो जाता है। एक तो फिजिकली वो वीक हो गई है, साथ में वो साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पर भी उसको पागल बना रहे होते हैं, लड़की है लड़की है। हम जो है वो लड़की को, मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो लड़की को बहुत बुरा कंसिडर करते हैं। अब लड़की की ख्वाहिश होती है मर्द को, तो वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी भी शादी कर लेता है जब तक लड़का पैदा ना हो। तो एक लड़की के लिए वो मर्द जो होते हैं 4-5 जिंदगियों को तबाह कर देते हैं, 4-5 के साथ उसकी जितनी जितनी बेटियां हैं, 5 है 6 है 8 है 10 है 12 है 15 है, उनकी भी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। तो हेल्थ बेसिक फैक्टर था, औरतों के लिए एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी से डील करना, पॉवर्टी से डील करने के लिए उनको एजुकेशन दी गई, एजुकेशन के साथ उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज हो गए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा ना कि एम्ब्रॉयडरी के लिए जो है सेंटर्स ओपन किए गए, कशीदाकारी या ये इस तरह, मेजॉरिटी जो है वो फौजी फाउंडेशन इस तरह की जो है सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग जो फौजी फाउंडेशन देते हैं, एक फाउंडेशन है जिसको कहते हैं फौजी फाउंडेशन। पाकिस्तान की हम बात करें, हेल्थ को हमने डिस्कस किया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये है बच्चे कि औरतों के साथ मारपीट और औरतों को पांव की जूती समझना, इन पे काम किया गया, इस फिनोमिना को क्लियर किया गया कि औरत पांव की जूती नहीं है, वो सिर्फ मार खाने के लिए नहीं है, औरत जो है वो घर भी देखती है, वो अपने हिपोक्रेटिक जो ससुराल वाले हैं उनको भी हैंडल करती है, वो अपने हस्बैंड की भी केयर करती है, वो सोसाइटी में भी अच्छे से डील करती है, वो अगर आजकल देखें तो वो बाहर जॉब भी करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है औरत को निग्लेक्ट किया जाता है, औरत को प्रॉपर इज्जत नहीं दी जाती। हम हर एक डोमेन की बात नहीं करें, आजकल कहीं कहीं पे अब भी ये चीज़ें हैं, बहुत से एजुकेटेड लोग हैं, आपको यकीन भी नहीं आएगा जब आप उनकी बातें सुनते हैं, उनका औरतों के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन होता है उसको सुनते हैं, वो अपनी बीवियों के साथ किस तरह वो क्रुएल्टी ब्रुटैलिटी करते हैं, आप उनको सुनते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। और मैम ज्यादातर तो ऐसा भी होता है ना कि अगर बेटी पैदा हो गई है तो उस पे भी औरत को कसूरवार ठहराया जाता है कि बेटी पैदा हो गई है। जी जी, जैसे अभी हमने हेल्थ एंड वुमेन एंड हेल्थ में डिस्कस किया ना, अब बच्ची पैदा होगी, बच्चा और बच्ची तो औरत के हाथ में नहीं है ना, वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कसूर जो है वो औरत का है। अब बेटा पैदा करना मर्द के हाथ में थोड़ी है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। औरतों के साथ मारपीट होती है, अब उस वायलेंस में सिर्फ मर्द नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, ऐसी फैमिलीज में भी है जिसमें देवर और ससुर भी मारते हैं औरत को, बहू को, भाभी को। सास जो है वो, अगर पंजाब साइड के केसेस देखिए या आप ये हमारे पाकिस्तान के पंजाब साइड और फिर भारत के हरियाणा पंजाब साइड की केसेस देखें, तो इसमें जो सास होती है वो बहू को जला देती है, हस्बैंड जो है बीवी को जला देता है, चूल्हा ऑन रह गया, गैस ऑन रह गई, मट्टी का तेल डाल के उसने सुसाइड कर लिया, ये किया वो किया, तो ये सारा वायलेंस है। बेस क्या है? लड़की पैदा करना। बेस क्या है? जहेज का कम लाना। बेस क्या है कि मर्द की उस औरत के साथ लगती नहीं, बस उसके लिए बहाना चाहिए कि मैं कैसे इसको तंग करूं, मैं कैसे इसे जान छुड़ाऊं, मार पीट है। ये वायलेंस सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है, ये वायलेंस बाहर भी है। कुछ जो होते हैं लोग साइकोपैथ जो होते हैं,
एक ऐसा टाइम था जिसमें रेंडमली औरतों को कत्ल किया जा रहा था, रेंडमली, ये नहीं कि स्पेसिफिक औरत थी इसको मारना, इसको बस जो भी हाथ आ गए उसको कत्ल करो, जो भी हाथ आ गए उसके मुंह पे एसिड अटैक करो। कितने केसेस हो गए हमारे कराची में। औरत हमेशा सफर होती है, लेकिन अब औरत जो है वो मजलूम भी है और साथ साथ वो अब जालिम भी बन रही है। क्यों जालिम बन रही है? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जैसे सास होती है ना, सास सास भी तो पहले बहू होती है ना, फिर जाके सास बनती है। जब वो बहू होती है तो उसकी सास ने जो कुछ किया होता है, जिसके इसके नेगेटिव मेमोरीज एसोसिएटेड होते हैं ना, तो वो बहू कल को फिर सास बनती है ना, फिर वो अपनी बहू के साथ वो फिनोमिना करती है, फिर बहू जो है फिर सास बनती है, फिर अपनी बहू के साथ ये फिनोमिना करती है। ऐसा है ना? तो मैम, जी ऐसे इन केसेस में हम क्या कहेंगे? मतलब हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं ना कि मर्द जो है वो औरत पे जुल्म करता है, लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि औरत पे जुल्म कर रही होती है और उसे कोई भी गिल्ट फील नहीं होता, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? सॉर्ट ऑफ जेलिसी? हाँ, सॉर्ट ऑफ जेलिसी भी कह सकते हैं। फरियाल ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। वो आपने प्रोवर्ब नहीं सुना कि औरत औरत की दुश्मन है? औरत औरत जी की, अगर ऑपोजिट जेंडर है ना, ऑपोजिट जेंडर अगर मर्द और औरत है, फिर जी भी उसमें थोड़ा सा कंपनसेशन हो सकता है ऑन अ बेसिस ऑफ जी फिजिकल, ऑन अ बेसिस ऑफ लव, ऑन अ बेसिस ऑफ पैशन, ऑन अ बेसिस ऑफ सिंपथीज, या ऑन अ बेसिस ऑफ एम्पथी। सिंपथीज क्या है? कि आप अगले की जो तकलीफ है उसको एज इट इज फील करें। एम्पथीज ये है कि आप ऑन द स्पॉट अगले को कहें, हाँ जी आपके साथ गलत हुआ, लेकिन जैसे ही वो जाता है या आप जाते हैं तो आप उस बात को भूल जाते हैं। अब तो जी औरत औरत की दुश्मन है ना बच्चे। फिनोमिना नंबर वन, एक हो गया जेलेसी। जी औरत कहाँ पे औरत की दुश्मन है? जब वो सास बहू बनती है, जब वो नंद भाभी बनती है। वॉइस सुन रहे हैं ना आप लोग? जी मैम, सुन रहे हैं। जब सास और बहू बनती है, जब भाभी और नंद बनती है, हाँ, जी जब प्रोफेशनल लेवल पे आ जाती है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में हमारे कितने कॉन्स्पिरेंसीज होती हैं, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में हमारा कितना हेरेसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो जेलेसी है। अब ऑपोजिट सेक्स के लिए आप थोड़ा सा फिर भी सिंपैथेटिक हो सकते हैं ऑपोजिट जेंडर के लिए, लेकिन सेम जेंडर के लिए नहीं हो सकते। क्योंकि मैम वो एजुकेशन लेवल पे भी आ जाए ना, आप घर में भी देख ली और एजुकेशन में भी आ जाए तो इवन क्लास में भी और ऐसे भी, तो आप देख सकती हैं कि बाज लड़कियां इस तरह होती हैं कि अगर एक थोड़ी सी भी अच्छी होगी, हालांकि सेम जेंडर है, तो जेलसी होगी, भाई ऐसी क्यों है, वो मुझसे कम है, ऐसी है, मुझसे तो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, तो फिर क्यों आगे जा रही है? देखिए, तो मैम ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बन गया। साइकोलॉजिकल क्या है? लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पे भरोसा नहीं है। बस परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अगला मुझसे बेटर है, एंड ही इज कैपेबल और शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम नॉट कैपेबल। ये लो सेल्फ एस्टीम हो गए ना, सेल्फ करेज नहीं होती, जी बात करने की वो उनमें कैपेसिटी नहीं होती। फिर जो हमारा थर्ड या फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना आता है ना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन इनका नहीं होता। वो सेल्फ रेगुलेशन अगर हम नफ्स के साथ कंट्रोल करते हैं ना, कंट्रोल ऑफ सोल, कंट्रोल ऑफ नफ्स, ये नहीं होता। जैसे नफ्स के थ्री स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू इमाम गजाली, नफ्स अवामा लवामा मुतमैना। अवामा वो नफ्स है कि आप गलती पे गलती करते जाते हैं, आपको कोई रिग्रेट नहीं होता, आपको परवाह ही नहीं होती, आप बड़े से बड़ा काम भी करें, यू आर ओके विद दैट। नफ्से अवामा, इसमें आपने कोई गलत काम किया, एटलीस्ट आपको रिग्रेट होता है, यू फील रिग्रेट, आप उसके लिए तौबा करते हैं, रेपिटेंस करते हैं। लेकिन नफ्से अवामा में आप नहीं वो करते, आपका सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता। फिर होते हैं नफ्से मुतमैन, प्योर एंड प्योर सेल्फ। प्योर एंड प्योर सेल्फ का मतलब ये कि दीन और दुनिया को मैं इक्वली बेसिस पे लेके जा रही हूँ। मैं किसी के साथ अगर अच्छा नहीं करी तो मैं किसी के साथ बुरा भी नहीं करी। अगर मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती तो मैं किसी को तकलीफ भी नहीं दे दूंगी। क्लियर? तो ये वो लोग होते हैं जिनकी सेल्फ रेगुलेशन नहीं होती, खुद पे कंट्रोल नहीं होता।
और इनका साइकोलॉजिकली सेल्फ एस्टीम लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता. क्लियर? यस मैम, थैंक यू. वुमेन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कॉन्फ्लिक्ट का क्या, इसको हम लिंक कर सकते हैं ना कि औरतें जो क्राइम करती है उनको जेल में जो डाला जाता है उनके साथ वहां पे क्या होता है, रेप केसेस होते हैं, मोलेस्टेशन होती है, हैरेसमेंट होती है, हेल्थ से रिलेटेड जो उनकी फैसिलिटीज होती है वो ना होने के बराबर होती है, अनहाइजीनिक फूड होता है, ये सारा आपके आम कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है. वुमेन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ये है कि आपकी जो आपके 5 साल बाद हुकूमत चेंज होती है ना, गवर्नमेंट चेंज होती है, 5 साल पूरे करती है, तो 5 साल जब पूरे करती है तो एक होता है ना जिसको क्या कहते हैं, जिसमें हम अपना सारा इनकम अपने जो होता है 5 साल का जो होता है वो एक एस्टिमेट तैयार करते हैं. अब क्या अच्छा सा नाम था, अब मुझसे भूल गया कि क्या है. क्या कह सकते हैं किरण इसको, हाँ सॉरी, बजट, जो हम बजट बनाते हैं ना, उस बजट में औरत के लिए पार्ट होना चाहिए, औरत की एजुकेशन के लिए, औरत की ट्रेनिंग के लिए, औरत की प्रोटेक्शन के लिए, औरत की हेल्थ के लिए, औरत की सेफ्टी के लिए, औरत की फर्दर प्रमोशन के लिए. ये इकोनॉमी में औरत के लिए जो हम बजट बना रहे हैं, बजट में औरत का हिस्सा होना चाहिए. वुमेन इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग, इन पावर क्या है, वुमेन इन पावर, वुमेन पावर में कैसे आएगी, जब वो किसी पॉलिटिकल क्राइटेरिया में हो, जब वो किसी हाई अथॉरिटी फिगर की पोजीशन पे हो. अब ये सारा जो वुमेन का पॉलिटिक्स में आना है, वुमेन का डिसीजन मेकिंग है, ये जो है हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी एजुकेशन के साथ कनेक्ट है ना. तालीम होगी तभी औरत आएगी आएगी, अगर तालीम नहीं है, स्किल्स हैं. हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियन हैं वो सारे अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ खैर नहीं कहूँगी, मैट्रिक पास हैं. अब रिक्वायरमेंट है कि पॉलिटिशियन के लिए बीए का होना, बीए मतलब है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है. तो कितने स्कैंडल्स आ गए, कितने पॉलिटिशियंस ने जालिया डिग्री बनाई और पकड़े गए, ऐसा हुआ था ना. Yes, ma'am. जी मैम. तो जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल हो तो अवाम में कितने अनोखे अनोखे तरीके होंगे. एज ए स्टूडेंट मेल बॉयज आपको पता होगा ना कि जी बोर्ड में, अभी तो आपका इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड होता है ना यूनिवर्सिटी का, जब आप पेशावर बोर्ड से कनेक्टेड थे तो बोर्ड का पर्चा कैसे देना है, किसके साथ कांटेक्ट करना है, पीएन के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, एग्जामिनेशन में कैसे कांटेक्ट करना है, टैक्टिक्स आते हैं ना. जी मैम. हाँ तो हमारे जो बच्चे हैं इनको इतना टैक्टिक्स आते हैं, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बाबे हैं, उनको कितना आता होगा. फिर बात की इन्होंने, जो एजेंडा था उसमें इन्होंने लिखा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किन के लिए, प्रॉपर तालीम बालिगान के अलावा भी औरत के लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, उनके लिए जो है नॉलेजेबल जो है सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे गाँव में अभी भी जो है ये पिंड विंड साइड जो पंजाब के हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, हम इतना बैकवर्ड नहीं है अब, लेकिन पंजाब की जो पिंड वाला सिस्टम है ना, तो उसमें अभी भी वही दौर चल रहा है, अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है. तो इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, लोग जाते हैं, एनजीओस की तरफ जाते हैं. फिर पॉइंट आता है ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन. ह्यूमन राइट्स क्या है, जो पूरे वर्ल्ड की जो है मेल एंड फीमेल के राइट्स के लिए बात करता है. ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, ये इंसानी हकूक भी पार्ट ऑफ यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स में औरतों के लिए भी पोजीशन होनी चाहिए, औरतों के राइट्स के लिए भी बात करनी चाहिए थी. ये सारा हो गया था 1995 की हम बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एजेंडा लिखा था उसमें कौन कौन से जो क्रूशियल पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं.
फिर कहा कि वुमेन एंड मीडिया, मीडिया में वुमेन को सपोर्ट एंड प्रमोट किया जाए, जो वुमेन के साथ इनजस्टिस हो रहा है वो प्रेजेंट की जाए, वुमेन्स के लिए रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए, वुमेन्स के लिए टीवी पे मीडिया पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सारा मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। वुमेन एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज आवर सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग जैसे मैं आपके एनवायरनमेंट का पार्ट हूँ। अब जैसे अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है, इसमें मेरा और आपका कंपेनियनशिप है ना, एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर। अब मैं और आप जो है एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, मैं आपके सराउंडिंग में हूँ, आप मेरे सराउंडिंग में हैं, क्लियर। तो वुमेन की जो सराउंडिंग है, वुमेन की जो एनवायरनमेंट है, उसको, उसके बारे में औरत को अवेयरनेस दी गई, दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा औरत को पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ को ओवरकम करना है, किस चीज़ को मिनिमाइज करना है। तो ये सारा इस पे बात हुई। फिर है गर्ल चाइल्ड, बच्ची। अब बच्ची क्या है? अगर हम बच्ची को एक्सप्लेन करने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इन शॉर्ट क्या हमसे, क्या कैसे हम गर्ल चाइल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, गर्ल चाइल्ड को हम कैसे हमसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैम ये तो इनजस्टिस में आते हैं ना, कि जो गर्ल्स होते हैं, बच्ची जब भी होते हैं हमारे इलाके में। अभी मैम 2-3 दिन पहले एक बच्ची पैदा हुई है जो माँ की चौथी बेटी है। तो उनकी ससुर थे और बच्चे के वालिद थे, वो 3 दिन घर से बाहर थे गुस्से की वजह से। मैंने सुना है कि उनको, उनकी माँ को और बच्चे को अस्पताल तक भी नहीं लेके, नहीं लेके, डिलीवरी घर में हो गई। अब जी ना, क्या क्या सिचुएशन है? वो औरत जो है, जैसे फरियाल ने कहा औरत औरत की दुश्मन है, तो ये औरत औरत की दुश्मन है। सुनिए बच्चे फरियाल, आपने हमजा ने क्या कहा? यस मैम, बिल्कुल समझ गई जी। इकरा बच्चे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम गर्ल चाइल्ड को? मैम इस जो हमजा ने बोला ना, इस तरह का मैंने भी एक वाक्य सुना ना, कि बेसिकली अपनी घर में दो देवरानी और जेठानी, उसके बेटा हुआ और उसकी बेटी, तो उसको कहते जब मैं पैदा कर सकती तो ये नहीं कर सकती। हालांकि मैम उसका अपना जेड ये नहीं है।